Shantanu Bhandari. I welcome you all to this particular new subject that I've started, which is called as drafting, pleading, and appearance. Although मैं इसको न्यू कह रहा हूँ, बट जस्ट टू लेट यू नो, जो लोग नहीं जानते एटलीस्ट उन्हें बताने के लिए, कि आई बीन टीचिंग ड्राफ्टिंग फ्रॉम लास्ट आई थिंक 4 ईयर्स, मे बी डेफिनेटली फॉर 4 ईयर्स, बट 5 भी हो सकते हैं, बट डेफिनेटली इट्स बीन फॉर 4 ईयर्स दैट आई बीन टीचिंग ड्राफ्टिंग. जैसे कि आप जानते हैं कि ड्राफ्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ओल्ड कोर्स एज वेल एज न्यू कोर्स में है. हाँ, ये ठीक है कि कुछ कॉन्टेंट जो है वो न्यू कोर्स में एक्स्ट्रा है जो कि ओल्ड कोर्स में नहीं था. तो मोर और लेस जो है वो ऑब्वियसली कंटेंट जो है वो सेम है, बट एट टाइम्स जो है उसके प्रेजेंटेशन करने का तरीका, आईसीएसआईसी जो एक्सपेक्टेशंस है वो डेफिनेटली कुछ हद तक बदल भी गई हैं. तो वो सब बातें भी मैं आपसे आज करूंगा, बिकॉज ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसके अंदर हम थोड़ा सा जो नोट्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या है इस पर्टिकुलर बुक के अंदर. वी नो कि हम बहुत बार कहते हैं कि मैंने ड्राफ्टिंग की क्लास नहीं लेनी है, लेनी है, या मैं खुद पढ़ रही हूँ या मैं खुद पढ़ रहा हूँ, बट वॉट इज ड्राफ्टिंग एंड देन वॉट इज प्लीडिंग एंड वॉट इज अपीयरेंसेस, इसके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे. जैसे कि आप ये भी देख सकते हैं कि दिस इज ऑब्वियसली अ न्यू सिलेबस. सो मैं स्पेशल एम्फेसिस से बताना चाहूंगा कि नया सिलेबस की जब हम बात कर रहे हैं, अभी हुआ क्या है कि जब ये सब चेंज हुआ, लाइक ओल्ड के अंदर भी है, न्यू के अंदर भी है, तो बहुत जगह मैं ये देख रहा हूँ जो स्टूडेंट्स मुझसे बता रहे हैं, जो फीडबैक दे रहे हैं. मैं ये तो नहीं कहता हर जगह ऐसा है, बट एट टाइम्स ऐसा भी हो रहा है कि जब, क्योंकि पूरा कंटेंट जो है अंदर का, जो अंदर चैप्टर्स हैं, वो भले जो ब्रॉड हेडिंग्स हैं वो ओल्ड और न्यू में सेम हो, बट फिर भी कुछ ऐसा कंटेंट है हर चैप्टर के अंदर जो कि इंक्रीज करके बताया गया है. और जिन्होंने ओल्ड वीडियोस रिकॉर्ड करी हुई हैं वो उसी को ही सेल आउट कर रहे हैं, कुछ मे बी एट द वेरी स्टार्ट न्यू चैप्टर्स रख के. बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जब मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली ओल्ड का क्यों करूँगा, तो मैं डेफिनेटली न्यू पे ही फोकस कर रहा हूँ. तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर, जैसे कि मैंने कहा, ये न्यू सिलेबस की क्लासेस हैं जो आप देख रहे हैं. दिस इज द ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस पेपर का नाम है. मॉड्यूल 1 के अंदर इस समय है, पहले मॉड्यूल 3 के अंदर होता था, बट आज ये मॉड्यूल 1 के अंदर है. इसके साथ साथ इस मॉड्यूल के अंदर यू हैव एथिक्स एंड देन यू हैव टैक्सेशन, है ना. तो एथिक्स के क्लासेस भी अवेलेबल हैं. इफ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लेट मी नो ऑन दैट पार्ट एज वेल. पर इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं थोड़ी सी बात आपसे यहाँ पे करना चाहूंगा इन 3 चीजों के बारे में जो कि यहाँ पे लिखी गई है. देखिए, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस में अगर मैं कुछ लाइन जोड़ूं और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं जिससे आपको समझ में आए. बहुत बार आप सुनते हैं कि ड्राफ्टिंग की जब भी बात होती है, कहा जाता है राइट अ डीड, राइट अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट अग्रीमेंट, राइट अ पावर ऑफ अटर्नी, विल, ये सब चीजें, कुछ जस्ट टू नेम अ फ्यू, बिकॉज बहुत सारा कॉन्टेंट है, तो जस्ट टू नेम अ फ्यू. अब सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट के सामने जो आती है, जो मैंने पिछले कितने ही सालों में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ जो ऑब्जर्व करी है, कि वो शायद कॉन्सेप्ट तो समझता है, बिकॉज शायद देखिए अगर बात करी जाए कि विल क्या है, तो मुझे लगता है हम सभी को, जितने भी लोग ये देख रहे हैं और इन जनरल भी, सभी को पता है कि विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी की डेथ के बाद एग्जीक्यूशन में आता है, या आप कह दीजिए इम्प्लीमेंटेशन में आता है, और जिस डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए जो एसेट्स हैं उनका बंटवारा जो अलग अलग पार्टीज हैं उनमें किया जाता है. पर जब हम इस पेपर की बात करते हैं, ड्राफ्टिंग की बात करते हैं, तो सिर्फ एक डेफिनेशन जो मैंने बताया इतना ही जानना जरूरी नहीं है. वी ऑल्सो ऑट टू नो, वी ऑल्सो शुड नो बेसिकली दी फॉर्मैट जिसमें इसको लिखा जाएगा, बिकॉज फॉर्मैट जो है वो ड्राफ्टिंग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर आप फॉर्मैट अच्छे तरीके से सीख लेते हैं और उसके बारे में अच्छे तरीके से जान लेते हैं, तो हो सकता है कि जितनी भी डीड्स आप प्रैक्टिस करें उससे आप एक तरीके से कॉन्फिडेंस गेन कर सके, और यही कॉन्फिडेंस आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा. लाइक एज एन एग्जाम्पल, मैं एक लाइव इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ. जब मैं ऑफलाइन इसको पढ़ाता हूँ तो मैं इस बेसिस पे करता हूँ, मैं वो सब चीज़ें यहाँ पे भी करूँगा, बट जस्ट टू लेट यू नो कि क्या इन क्लासेस में डिफरेंट है जो शायद बाकी क्लासेस में नहीं है. तो मैं क्या करता हूँ कि पहले उन्हें पूरा समझाता हूँ फॉर्मेट से लेके कॉन्सेप्ट के बारे में, और उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं उनको लिख के बताता हूँ थोड़ा बहुत कि किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट करना है, जस्ट टू हेल्प देम कि भाई किस तरीके से क्या करना है. कुछ ऐसी डीड्स भी होती हैं जो हमारे पेपर्स में आती हैं, जो ड्राफ्टिंग के पेपर्स में आ चुकी हैं और डेफिनेटली आगे भी आएंगी, जो मॉड्यूल में कहीं एज सच कवर नहीं होती हैं, तो उसको कोप अप करना है, उसको कैसे कवर करना है, इसके बारे में बताऊंगा. तो मैंने ये जनरली ऑब्जर्व किया है कि जब भी स्टूडेंट पहले पहले ड्राफ्ट करता है उसको ज्यादा समय लगता है, और मैंने अपनी क्लासेस में एक्सपेरिमेंट भी करके देखा है कि एज एन वेन जैसे जैसे 2, 3, 4 चैप्टर्स होते जाते हैं, जो टाइम है उसको जो पहले लग रहा था स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ए को जो टाइम पहले लग रहा था 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जिसको जो लग रहा था, बिकॉज डिपेंड करता है हमारा बैकग्राउंड क्या है ना, तो
जिसको जो लग रहा था उसे काफी कम लगना शुरू हो जाता है, और इससे हम टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हैं। बिकॉज ये तो हम सभी को पता है कि ड्राफ्टिंग के पेपर में, इन शॉर्ट ड्राफ्टिंग प्लीडिंग अपीयरेंसेस पूरा नाम है, बट इन शॉर्ट ये हम सभी जानते हैं कि ये पूरा थियोरिटिकल पेपर है, 100 मार्क्स की पूरी थ्योरी आने वाली है। अब चाहे वो ड्राफ्टिंग का कुछ पार्ट कवर हो, चाहे प्लीडिंग का हो, चाहे अपीयरेंसेस का हो, बट रहेगी तो थ्योरी। तो एक एक जनरल ऑब्जर्वेशन के तौर पर ये बहुत बार देखा जाता है कि जो थियोरिटिकल पेपर्स हैं उनमें स्टूडेंट बहुत बार ये एक कंप्लेन काइंड ऑफ अ चीज करते हैं कि पेपर बड़ा लेंथी था, जो कि नो डाउट होता भी है। बट अगर हम इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट से इसको करने की समझें या इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की अप्रोच ऑप्ट करें, तो शायद दूसरों के कंपैरिजन में हमारे लिए ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि अगर ये लेंथी पेपर है तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा, आप 2 घंटे में दे देंगे पेपर, नहीं। जो समय लगता है वो लगेगा, बट यू विल बी सैटिस्फाइड कि जो आपने लिखा है उसको आपको पता था, और दूसरों से डेफिनेटली आप दूसरे स्टूडेंट से अच्छे तरीके से ज्यादा कवर कर पाएंगे। बिकॉज देखिए एक चीज होती है सीएस के अंदर, हम जानते हैं दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब आप प्रोफेशनल तक पहुंचे हैं तो आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं, और आगे भी डेफिनेटली इन्हीं चीजों पे आपको फोकस रखना है कि जब भी इन दोनों के बीच में क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन होता है, हमेशा और हमेशा सीएस के तौर पे जो क्वालिटी है वो ज्यादा मैटर करती है। तो हम यहाँ पे ये भी सीखेंगे कि मार्क्स जो है वो कितने हमें दे रहा है एग्जामिनर, उसके बदले में कितनी क्वांटिटी में क्या क्या बातें लिखनी है, ये भी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। बिकॉज इससे शायद आपको ये समझ में आए कि जो मैं बात यहाँ पे कह रहा हूँ ये बहुत जेन्युइन बात है, एंड जो लोग फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा, माय नेम इज शांतनु भंडारी एंड आई एम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। ऑब्वियसली माय मेंबरशिप नंबर, जो भी क्वालिफाइड होता है मेंबरशिप तो होती है ना उसके पास, तो माय मेंबरशिप नंबर इज 3032130321। आई क्वालिफाइड इन द ईयर 2011, तो आप उसी से आइडिया लगा लीजिए कितने साल अब हो चुके हैं, और इतने ही साल जितने हुए हैं साथ साथ जब भी ऑनलाइन क्लासेस आप देख रहे हैं, तो अपनी प्रोफाइल के तौर पे ये भी बताना चाहता हूँ कि आई वर्क एज अ सीनियर कंपनी सेक्रेटरी इन वन ऑफ द कंपनी लोकेटेड इन दिल्ली, दैट्स एन ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, आई वर्क देयर एज अ सीनियर मैनेजर। एंड ऑल्सो जो आपका नए सिलेबस में सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज है, देन यू हैव ड्राफ्टिंग, देन यू हैव एथिक्स, देन यू हैव ओपन बुक रीडिंग में बहुत सारे ऑप्शन में IPR एज वेल, इन सब सब्जेक्ट्स पे मेरा फोकस है, और डेफिनेटली ये सब सब्जेक्ट्स में ऑनलाइन ट्रीट करता हूँ। आई एम नॉट इन एग्जीक्यूटिव एट दिस स्टेज एंड नो प्लान्स एट ऑल, मैं प्रोफेशनल पे ही रहना चाहता हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल के टीचर्स जो हैं मार्केट में या तो बहुत कम अवेलेबल हैं, या जो अवेलेबल है मेरे हिसाब से एटलीस्ट वो अच्छा कॉन्टेंट नहीं दे पा रहे। तो इवन मैं कॉन्टेंट की जब बात करता हूँ, मैं आपको ये यहाँ पे बता दूँ क्योंकि हमारे लिए जानना जरूरी है, इसीलिए बाद में आपको कह रहा हूँ, क्योंकि बाद में स्टूडेंट को लगता है कि भाई काश मैंने ये लेक्चर्स लिए होते तो शायद मैं अच्छे तरीके से समझ पाता। जो मेरा एक एक रूल है किसी भी चीज़ को पढ़ाने का, वो ये कि भले मुझे समय ज़्यादा लगे, आर्ट्स की क्लासेस बढ़ जाएं, मैं वो प्रेफर ज़्यादा करूँगा इस कंपेरिजन में कि मैं कम ड्यूरेशन की क्लास पढ़ाऊँ और बेसिकली स्टूडेंट को समझना है। आई वॉन्टेड टू कवर दी ICSI मॉड्यूल, दी स्कैनर्स, चाहे मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, इन डिटेल मैं उसको कवर करना चाहता हूँ। बिकॉज जब मेरा स्टूडेंट एग्जामिनेशन में बैठे तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो दूसरों से कहीं ज्यादा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो मॉड्यूल के पूरा वो कॉन्टेंट पढ़ गया है, जो भी मॉड्यूल में दे रखा है, जो मैंने अपनी बुक्स में एक्स्ट्रा एड कराया, इजी वर्ड्स में बनाया, वो सारा पढ़ के गए हैं, आपने स्कैनर्स देख लिए हैं। तो देखिए उसके बाद आपने मेरी बात सुन ली, इस एक्सपीरियंस का आपको फायदा मिल गया। ये भी यहाँ पे ऐड कर दूँ, अपार्ट फ्रॉम जो मैंने बताया कि आई वर्क एज अ सीनियर मैनेजर, देयर आफ्टर मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, देन ऑनलाइन आपके सामने ही है। देयर आफ्टर मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जो आपके IPR के पेपर्स हैं, जो मल्टी डिसिप्लिनरी हैं, जो ड्राफ्टिंग के पेपर्स हैं, ये भी मैं ICSI के तौर पर एज एन आप कह सकते हैं पेपर चेकर इनरोल्ड हूँ, उनके पैनल का पार्ट हूँ। तो मैं और तो कुछ नहीं कहूंगा पब्लिकली, बस मैं ये कहूंगा कि कीवर्ड्स की बहुत रिलेवेंस होती है। जिस भी स्टूडेंट ने कीवर्ड्स समझ लिया कि होते क्या है, क्योंकि जनरली कीवर्ड्स मींस इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, बट ये हर टॉपिक में बदलते रहते हैं, एक अलग अलग नजरिए से लिखे जाते हैं। खुद ही सोचिए कि जो आपकी कॉपीज चेक करते हैं क्या वो सिर्फ CS होते हैं, द आंसर इज नो। वो CS भी होते हैं, वो एडवोकेट्स भी होते हैं, वो ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लीगल एरिया में एक्सपर्टाइज है। तो एवरीबडी इज नॉट CS, तो उस नजरिए से पेपर चेक नहीं होते, पेपर चेक होते हैं लीगल बैकग्राउंड के बेसिस पे कि जो आपने टर्मिनोलॉजी यूज करी है, जिस तरीके से लिखा है वो कितना अप्रोप्रिएट है कितना नहीं। तो इन सारी क्लासेस में आपको ये भी समझ में आएगा कि वॉट टू राइट एंड हाउ टू राइट। बिकॉज बहुत बार स्टूडेंट को लगता है कि मेरा पेपर तो ड्राफ्टिंग का इतना अच्छा हुआ था, 80 मार्क्स का मैं करके आया, कि लेट्स 90 वॉट एवर 100 जितना जो भी एक्सपीरियंस रहता है, पर जब रिजल्ट आता है तो बहुत बार ये देखा जाता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे काफी कम मार्क्स आए। तो कई लोग थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं तो सर्टिफाइड कॉपीज निकलाते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज में वो देखते हैं कि जहां 4 मार्क्स या 5 मार्क्स उन्होंने सोचे थे एटलीस्ट, वहां पे 1 या 2 मार्क्स मिले,
मैं सबकी बात नहीं कर रहा बिकॉज मैं एक बहुत वाइडर एक्सपोजर पे इसको डील आउट कर रहा हूँ, तो मैं एक जनरल थॉट पे बात कर रहा हूँ जो कि जनरली ऑब्जर्व किया जाता है। पर जो जैसे कि मैंने बताया इन क्लासेस की यूएसपी ये है कि ना ही यहाँ पे हम सिर्फ मॉड्यूल का जो कॉन्टेंट है उसको ईजी तरीके से पढ़ेंगे प्लस स्कैनर्स कवर करेंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे नहीं लगता कहीं होती है बट मैं हर जगह करता हूँ, चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँ चाहे ऑनलाइन, उसमें थोड़ी देरी हो सकती है बट मैं ये करता हूँ, वो क्या कि देखिए मैं यहाँ पे आपको लिखने का तरीका बताऊंगा, मैं आपको पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा, पर जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे आपको ड्राफ्टिंग आएगी नहीं। ये शायद आपको अच्छा लगे बुरा लगे बट दैट इज द फैक्ट, जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे ड्राफ्टिंग में मुझे आपको समझाना है, मुझे आपको फॉर्मेट बताना है और मुझे थोड़ा बहुत जहां जहां रिक्वायर्ड है वो चीजें आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करनी है ना। पर ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि जब तक हम खुद नहीं लिखेंगे हमारे दिमाग में आइडियाज जो है वो इनकलकेट नहीं होंगे, आएंगे नहीं, प्लस टाइम मैनेजमेंट का फिर कैसे होगा, फिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कितना करना है, ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो मेरी क्लासेस का यूएसपी है, यूनिक पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ पे मैं कुछ चीजें स्टूडेंट्स को लिखने के लिए दूंगा एंड थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल, जो भी स्टूडेंट यूज करते हैं व्हाट्सएप या अगर नहीं तो ईमेल के थ्रू, वो मैं उनसे कहूंगा कि वो मुझे डीड लिख के भेजें। ये हमेशा नहीं होगा बट कुछ कुछ चैप्टर्स में मैं आपसे कह सकता हूँ कि देखिए इतना आपने पढ़ लिया, अब बहुत जरूरी है ये जानना कि भाई ठीक है सर ने जो कहा मुझे समझ तो आ गया बट जब मैं इसको प्रैक्टिकली लिख रहा हूँ तो क्या मैं कितना अच्छे तरीके से लिख पा रहा हूँ। बिकॉज एक एक बात जनरल तौर पर अगर सोचें तो आपको समझ में आएगी, जो हम खुद करते हैं वो जनरली हमें कभी भी खराब नहीं लगता। तो हो सकता है जो आप लिख रहे हैं वो आपके हिसाब से एकदम सही है बट हमें अपने हिसाब से नहीं देखना, हमें ये देखना है कि आईसीएसआई जो है वो किस तरीके से इन इन चीजों को देखता है या किस तरीके से इन चीजों में मार्क्स देने की बात करता है। तो मैं ये भी करूंगा कि मैं कुछ इंटरव्यूज में आपसे कहूंगा कि ये डीड आप लिखिए और जब आप लिख लें तो मुझे भेजिए, मैं उसको चेक करके नॉट लाइक पेपर से चेक कर दिया बट चेक करके मतलब जो पॉइंट्स हैं उसके अंदर बता दिया कि ये पॉइंट्स यहाँ ऐसे आने चाहिए, ये पॉइंट्स ऐसे आने चाहिए। सो काइंड ऑफ अ लाइव एनवायरनमेंट एकदम हमें लगेगा, कोई ये ना सोचे कि ड्राफ्टिंग भाई ऑनलाइन, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप लाइव क्लासेस में करते हैं उससे कहीं ज्यादा मैं इन क्लासेस में कराने वाला हूँ। मैं आपको ये भी यहाँ पे बताना चाहूंगा क्योंकि जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इंट्रोडक्टरी में सिर्फ मैं जनरल बात नहीं कर रहा, मैं अभी चैप्टर वन की भी स्टार्टिंग थोड़ी बहुत करूंगा। पर मैं ये बताना आपको चाहता हूँ यहाँ पे कि जस्ट बिकॉज ऑलरेडी क्योंकि मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को डील आउट कर रहा हूँ, मुझे ऐसे लगा ड्राफ्टिंग में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है बिकॉज जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन चाहे एक्स वाई जेड किसी भी फैकल्टी के वो कंप्लीट नहीं होते। कंप्लीट इन द सेंस जो उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं वो तो उन्होंने बढ़ाया बट जो ऐसी चीजें हैं जो आ सकती हैं और मे बी शायद डिफिकल्ट है वो उन्होंने छोड़ दी। होता है ना आजकल नोट्स बनाते हैं और नोट्स बनाने में होता क्या है वो चीजें लिखते हैं जनरली जो उन्हें ज्यादा सही लगती है बट मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं हर वो चीज बताऊंगा जो कि ना कि एग्जामिनेशन में आ चुकी है बट जिसके आने के चांसेस भी पूरे हैं डिपेंडिंग अपॉन माय एक्सपीरियंस, सब चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। ये भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो ड्राफ्टिंग की क्लासेस की ड्यूरेशन है ये दूसरों की कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होगी बिकॉज मैं टिल द एक्सटेंट पॉसिबल हर चीज मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। इतनी सब बात कहने के बाद अगर मैं अब मेन टॉपिक पे आऊँ विच इज ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एंड अपीयरेंस, जैसे कि आप देख रहे हैं तीन वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ब्रॉड हेडिंग के तौर पर मैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात करूंगा जिससे आपको समझ में आए जो मैं कह रहा हूँ वो है क्या, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट यहाँ पे जब ड्राफ्टिंग के बारे में बात करता है तो पढ़ते हुए तो उसको समझ आती है चीज कि हाँ ये है ऐसे है वैसे है। जैसे शायद आप लोग सभी जानते हैं कि भाई आर्बिट्रेशन क्या होता है बट अगर आर्बिट्रेशन की डीड लिखनी है, विल लिखनी है, पावर अटॉर्नी लिखनी है, नॉन कॉन्फिडेंशियल, आपने सुना नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट, ये सब आपके कोर्स में ये बनाना है तो कैसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ड्राफ्टिंग फिर इसलिए भी एक एक कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट और जो आगे जाके कंपनी सेक्रेटरी बनने वाला है, जो कि आप सब बनने वाले हैं, वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस न्यू सिलेबस के अंदर आप देखेंगे रेजोल्यूशन जो है, सुना है आपने रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं, ऑर्डिनरी है, स्पेशल है, अलग अलग तरीके के रेजोल्यूशन होते हैं, उसके बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं, नोटिस होता है, एजेंडा होता है, ये सब बनाए जाते हैं। इसके अलग अलग रूल्स है कंपनीज एक्ट में, खैर हम कंपनीज एक्ट को तो नहीं पूरा डिस्कस कर रहे बट जितनी इस चीज को लिखने के लिए सुना होगा, रिजॉल्व दैट, फर्दर रिजॉल्व दैट, है ना, कोई प्रपोज करता है कोई चीज, कोई सेकेंड करता है कोई चीज, हर मीटिंग का कुछ ना कुछ एजेंडा होता है, हर मीटिंग में कोई ना कोई चेयरमैन होता है, हर मीटिंग में कोई ना कोई ऐसा होता है जो एबसेंट होता है, हर मीटिंग में कोई इंटरेस्टेड हो सकता है, तो वो कैसे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ये सब चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। बट क्योंकि हम बेसिक अब बात कर रहे हैं तो मैं आपको साथ साथ एक लाइमलाइट भी बता रहा हूँ कि देखिए ब्रॉड ये चीजें होने वाली हैं। और याद रखिए जितनी भी बात अभी तक मैंने करी है सिर्फ मैंने ड्राफ्टिंग पे बात करी है, प्लीडिंग्स पे आया नहीं हूँ। मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ आज, जो अभी तो आप जब भी वीडियो देख रहे हैं,
कि जो इसके बाद की वीडियोस होंगी और जो मेरे नोट्स होंगे वो एज कम्पेयर टू एनी फैकल्टी दैट यू हैव थ्रू आउट इंडिया, द वे आई एक्सप्लेन, द वे एक्चुअली आई प्रिपेयर द नोट्स, वो अप टू डेट होंगे और ना ही सिर्फ अप टू डेट होंगे बट डेफिनेटली एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से स्कैनर्स कवर करेंगे। प्लस जैसे कि मैंने कहा, जो आप लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या लिखना है। ऑब्वियसली इसके बीच में आप खुद भी लिख सकते हैं अगर आपका मन करता है कि मैं प्रैक्टिस करके मैं सर को दिखाऊं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस तभी हमें आता है किसी के बताने से। हम जरूर अग्री कर सकते हैं टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जब हम खुद लिखते हैं तो हम देखेंगे बहुत बार हम दो चार लाइनें लिख रहे हैं उसके बाद हमें समझ नहीं आ रहा व्हाट नेक्स्ट, कहाँ से आगे बढ़ें, क्या जाएं, क्या नहीं करें, क्या करें और कैसे। बहुत बार हमने लिख लिया तो आप कहाँ पे क्लोजर करें, मार्क्स की डिमांड कितनी है, ये सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये सारी बातें कोई नॉर्मल फैकल्टी के परस्पेक्टिव से नहीं, ICSI क्या एक्सपेक्ट करता है ड्राफ्टिंग के परस्पेक्टिव से वो। तो अगर आप एथिक्स में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, बिकॉज उसके बाद क्या है कि आपको सिर्फ टैक्स देखना है। ये ग्रुप जो हो जाएगा स्पेशली दिस वन ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप, क्योंकि इन दो ग्रुप्स पे मैं फोकस्ड हूँ, तो ये सारे के सारे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट बन जाएंगे। सो आई थिंक जो मैंने बात करी है, चाहे वो डीड से रिलेटेड हो, अग्रीमेंट उसको लिखने से रिलेटेड, सारी बात जो मैंने अभी करी वो सारा का सारा ड्राफ्टिंग का पार्ट होता है। बिकॉज ड्राफ्टिंग इज जनरली वर्ड दैट जनरली यू राइट एंड यू फॉलो अ फॉर्मैट। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम एक तरीके से विल बना रहे हैं उसका एक फॉर्मेट अलग है, हम पावर अटर्नी बना रहे हैं उसका एक फॉर्मेट अलग है, हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उसका एक फॉर्मेट अलग है, तो ये सारी की सारी चीजें ड्राफ्टिंग में आती है। ड्राफ्टिंग एक्चुअली टॉक्स अबाउट एनीथिंग दैट हैज टू बी रिटन और एक तरीके से लीगल बाइंडिंग होनी चाहिए। ड्राफ्टिंग जब हम करें तो सिर्फ हमें जो लिखना है वो यही नहीं समझ के लिखना कि बस जो टॉपिक है उसकी डेफिनेशन, वी हैव टू एक्चुअली कंसिडर वाइडर परस्पेक्टिव। जैसे कि अगर मैं विल की बात कर रहा हूँ, जो मैं कुछ देर पहले भी कह रहा था, तो मान लीजिए विल अगर बनाई गई, किसी ने विल बनाई है, तो अब ये समझने की जरूरत है ठीक है विल का सिंपल सा मतलब है कि मिस्टर ए की विल है तो मिस्टर ए की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है वो बी सी डी ई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बट मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो है वो आपस में इनमें झगड़ा हो गया, या मान लीजिए इससे पहले जब ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी बी की डेथ हो गई, बी जो है एक तरीके से इनकैपेसिटेटेड हो गया, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, तो क्या होगा। और सबसे बड़ी बात ये देखेगा कौन कि बी सी डी जो है ई चार पार्टीज हैं इनको इतना हिस्सा मिले जितना विल में लिखा गया है, ये देखेगा कौन। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटर्स का रोल आता है एक तरीके से। जब हम बात करते हैं कि जो देखेंगे इस सब चीजों को कि सही से गवर्नेंस हुई है कि नहीं, तो ये सारी की सारी चीजें वी गोना टॉक अबाउट इन ड्राफ्टिंग। देन द सेकंड टॉपिक इज कॉल्ड एज प्लीडिंग। देखिए जब हम प्लीडिंग की बात करते हैं, प्लीड मतलब जब आप कोर्ट्स की बात करते हैं, बिकॉज ड्राफ्टिंग में जनरली इट्स अ रिलेशन बिटवीन टू पार्टीज लाइक ए एंड बी, है ना, दो के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपने इसको जब लिख दिया रिटर्न में टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी, क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कुछ चीजें यहाँ पे एक्सप्रेस नेचर की होती हैं जबकि कुछ इम्प्लाइड नेचर की होती हैं, तो वो जो है वो सारी की सारी ड्राफ्टिंग का पार्ट बन जाती हैं। पर जब कोई ऐसा मैटर है जो आपस में नहीं सॉल्व हो रहा, या मान लीजिए आप ए और बी जो है जिन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी जिसकी इंटरप्रिटेशन को लेके ए कुछ कह रहा है एंड बी कुछ कह रहा है, ए का कहना है कि भाई इस चीज की इंटरप्रिटेशन ये नहीं है ये है, जबकि बी कह रहा है नहीं इंटरप्रिटेशन बी के हिसाब से। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इसको कहाँ पे चैलेंज किया जाएगा, कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। जब आप इस चीज को कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लीडिंग बन जाएगा। आपने शायद एक वर्ड सुना होगा, ये ऐसे मिलते जुलते वर्ड सुने होंगे, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट क्या है, प्लेंटिफ वो इंसान है जो कि कोर्ट में केस फाइल करता है सबसे पहले, यानी अगर ए और बी के केस में आप देखिए तो ए अगर केस फाइल कर रहा है बी पे तो ए कौन होगा, प्लेंटिफ। जिस पे केस फाइल कर रहा है वो कौन होगा, डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ वो है जो एक तरीके से कोर्ट को जुडिशरी को एक्शन में लेके आता है, स्टार्ट करता है, जबकि डिफेंडेंट वो है जो डेफिनेटली डिफेंड कहता है कि मैंने ये चीज नहीं करी है, या डेफिनेटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। क्योंकि कभी भी आपने एक बड़ा नॉर्मल सी लाइन सुनी होगी, कभी भी चोर ये नहीं कहता कि मैं चोर हूँ, तो यानी जिस पे जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो तो कभी उसको मानने नहीं वाला। बट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ए एंड बी के बीच में, और उसके बाद जो ऑनरेबल जज हैं जो कोर्ट में बैठे हैं वो ये फाइनली डिसाइड करते हैं कि क्या रिलीफ देना है और किसको कितना रिलीफ देना है। पर ये एक प्लीडिंग का बेसिक पार्ट हो गया। हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं कि भाई जब ए है जिसको आप कह रहे हैं कि वो प्लेंटिफ है वो कोर्ट में केस फाइल करेगा, ऐसे थोड़ा होता है कि आपने कह दिया कोर्ट में केस फाइल करना है तो हो जाए, आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, तो वो डॉक्यूमेंट को क्या नाम कहते हैं। अब जब बी है वो इसका जवाब देगा तो उसको क्या नाम से जाना जाता है, ये सारी की सारी चीजें जो होंगी ये मैं आपको बताऊंगा, और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इनको लिखना कैसे है, ये भी हमें याद यहाँ पे रखने की जरूरत है
कि जो ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट है वो प्लीडिंग में नहीं चल सकता और जो प्लीडिंग का फॉर्मेट है वो ड्राफ्टिंग में नहीं चल सकता, ये दो अलग अलग बात है जिसका आपस में किसी तरीके से कोई भी कोरिलेशन नहीं है। ये हमें समझना होगा कि अगर पेपर में पूछा गया है कि हमें एक तरीके से कोर्ट के सामने एक कंप्लेंट फाइल करनी है, क्योंकि जो ए है ना, जो मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, प्लेंटिफ है, तो ए जिस डॉक्यूमेंट में बी पे इल्जाम लगाएगा, तो यानी ए जब कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट फाइल करेगा जिसमें वो ये कह रहा है कि बी ने ये चीजें गलत करी है, तो ए कौन है? प्लेंटिफ है। जो डॉक्यूमेंट में वो सारे इल्जाम लगाएगा, एलिगेशंस लगाएगा, दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज अ प्लेंट। तो प्लेंटिफ क्या फाइल करेगा? प्लेंट फाइल करेगा। जो बी है, डिफेंडेंट है, ये अपना क्या जवाब देगा? जब ये जवाब देगा तो जिस डॉक्यूमेंट में ये जवाब देगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ रिटन स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट के तौर पे जवाब मांगा जाएगा। तो ये सब चीजें कैसे लिखनी है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनेशन में आ जाएगी रिटन स्टेटमेंट लिखिए, एक आपको आप ऐसे कह दीजिए सीक्वेंस दे दी जाए, एक आपको रोल प्ले दे दिया जाए कि भाई एक ये चीज हो चुकी है, ए ने अपनी प्लेंट में ये बातें लिखी हैं, अब बी को इसका इल्जाम का जवाब देना है। तो हम जब पढ़ेंगे तो विल रियलाइज कि इसके कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं कि रिटन स्टेटमेंट का जवाब कैसे दिया जाएगा, लाइक जो जो उसने इल्जाम लगाए हैं सारी चीजों का हमें जवाब देना है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि बी ने अगर 10 पॉइंट लिखे हैं, या चलिए सिंपल रखने के लिए 7 पॉइंट्स लिखे हैं, तो जो ए जो है उसने अगर 7 पॉइंट्स लिखे हैं और इल्जाम बी पे लगाया है, तो बी जो है वो ये नहीं कर सकता कि 1 पॉइंट का जवाब दे, फिर 3 का दे दे, फिर 5 का दे दे, फिर 7 का दे दे, यानी 2 और 6 इग्नोर कर दिया ऑल टुगेदर, ऐसे नहीं हो सकता। जितने भी एलिगेशंस लगे हैं ए ने बी पे लगाए हैं, बी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर वो अपना केस स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो उसको एक एक पॉइंट का जवाब देना होगा, किसी भी तरीके से अनक्लैरिटी नहीं है। अब यहाँ पे सीएस का क्या रोल आता है भाई, तो देखिए जैसे आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं बहुत बार यूट्यूब पे या अलग अलग सोर्सेस से कि सर ये एलएलबी का सीएस के साथ कैसा कॉम्बिनेशन है, तो यही उसका जवाब है। अगर आपने एलएलबी करी है या आप कर रहे हैं तो ये जो चीज आप यहाँ पे सीखने वाले हैं या वहां पे कुछ एक्सटेंड तक सीख के आए हैं ये और ब्रश अप यहाँ पे हो जाएगी, तो अपने आप को एज एन लीगल एडवोकेट भी अगर आप चाहें तो रिप्रेजेंट बाद में अलग अलग ट्राइबिनल, होता है ना कि ट्राइबिनल सीएस के तौर पे, जरूरी नहीं कि आपके पास एलएलबी हो, जो सीएस है वो इन इटसेल्फ अलाउड है अलग अलग क्वासी जुडिशियल बॉडीज के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। तो ये जो बात है सारी प्लीडिंग्स के अंदर कवर होती है। फिर हमें ये भी समझने की जरूरत है कि ये जो बुक है इसके अंदर कुछ रिट से रिलेटेड बात दी गई है। रिट्स जैसे कि आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, वहां पे हम आर्टिकल 32 को लिख सकते हैं और आर्टिकल 226 लिख सकते हैं। आर्टिकल 32 टॉक्स अबाउट द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वाइल आर्टिकल 226 जो है टॉक्स अबाउट द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। हम ये समझेंगे कि होता क्या है और इवन रिट्स कैसे लिखनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं आपको ये ना ही सब चीजें बताऊंगा, बट आई विल मेक श्योर जब हम इस चैप्टर को अच्छे तरीके से खत्म करें या जब उस पूरे कोर्स को अच्छे तरीके से खत्म करें, जो आज आपका ड्राफ्टिंग में लेवल है, जितना आज आपको समय लग रहा है ड्राफ्टिंग में लिखने के लिए, मैं ये तो नहीं कहता कि वो आधा हो जाएगा, बिकॉज जितना समय लगता है नॉर्मली उतना तो लगेगा, बट मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप हो जाएगा। अभी आप शायद एक तरीके से, जब मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी देखता हूँ कॉपी देख, एक स्टूडेंट की कॉपी देखता हूँ, वी हैव मोर देन 30, 35, 40, 45 स्टूडेंट्स एट टाइम्स, अलग अलग बैचेस की बात है, क्योंकि मैं इतना समय भी नहीं दे पाता, ऑनलाइन भी हूँ मैं, तो मैं इतना नहीं सम, बट मैं हर स्टूडेंट की वेयर अवर पॉसिबल एक एक कॉपी देखता हूँ। तो ये मैं आपसे भी करवाने वाला हूँ और इससे क्या है, आपका फायदा होगा, क्योंकि आप जो लिखेंगे जब कोई देख रहा है इसको, आपका टीचर उसको देख रहा है, तो आपकी गलतियां बताएगा और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नेक्स्ट टाइम वो हम गलती ना करें। क्योंकि जनरली बाकी जगह क्या है कि गलती आपको सिर्फ एक ही बार पता चलेगी जब आपका एग्जाम होगा और बहुत लेट हो चुका होगा तब, तो वो चीज ना हो, कैसे उसको इंप्रूव करें, ये सब चीजें हम लोग बीच में बात करते रहेंगे। थर्ड चीज जो इस बुक के अंदर आती है, दैट इज अपीयरेंसेस। मैं कुछ देर पहले बात भी आपसे कर रहा था, देखिए अपीयरेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो अपीयरेंसेस इज नथिंग, बट जब आप कोर्ट में जाते हैं तो क्या कहना है क्या नहीं कहना है, एज एन एडवोकेट आपकी क्या ड्यूटी बनती है, अपने जो क्लाइंट है उसके लिए क्या ड्यूटी बनती है, जो सामने ओपोनेंट है उसके लिए क्या ड्यूटी बनती है, जो ओपोनेंट का एडवोकेट है उसके लिए क्या ड्यूटी बनती है, ये सब चीजें अपीयरेंसेस का पार्ट होती है। अपीयरेंसेस में एक ड्रेस कोड भी रिलेवेंट होता है। आपको ये पता होगा कि जब आप सीएस बनते हैं, आपने देखा होगा, आई एम श्योर वो दिन बहुत जल्दी आपके लिए आने वाला है, पर आप जान जाएंगे उस समय कि आईसीएसआई का भी एक प्रोफेशनल ड्रेस कोड है कि जब आप अलग अलग जगह अपियर हो तो ये ड्रेस कोड आप पहन के जा सकते हैं। आपने ये देखा होगा ड्रेस कोड पे तौर पे, तो वो आपके घर पे एक तरीके से ड्रेस कोड का मोमेंटम तौर पे, आई डोंट नो तब क्या होगा, बट अभी तो यही है कि जब आप कोई सीएस क्वालिफाई करता है, अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टिफिकेट और अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस अदर जो चीजें वो भेजते हैं,
साथ साथ वो एक टाई भी आपको भेजेंगे जो कि अलग अलग कलर्स की हो सकती है, जो उनका ड्रेस कोड का पार्ट है। जनरली ब्लू है वो, जैसे कि आप सिंबल भी देखते हैं आईसीएस आएगा, तो ड्रेस कोड है हर जगह के, उसको पहन के ही वहां पे अपियर हो सकते हैं। क्या कहना है, कितना कहना है, जैसे कि आपने अगर मूवी देखी है जॉली एल भी आपने देखी हो 1 या 2, तो वहां पे आप देखेंगे कि बहुत बार अलग अलग सीक्वेंस में दिखाया गया। हम पूरा सीन तो नहीं यहाँ पे रिक्रिएट कर सकते, बट हम डेफिनेटली ये याद कर सकते हैं अगर हमने वो चीज देखी हो, कि एक जनरल तौर पे अगर आप देखिए दो जो एडवोकेट है कोर्ट में बहस कर रहे हैं, तो एक बहुत बार फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए इज द एडवोकेट है ना, तो मिस्टर ए इज द एडवोकेट और मिस्टर ए जो है वो जो ओपोनेंट है बी, उससे कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। तो बहुत बार ये सवाल जवाब कर रहे होंगे, उसी के बीच में जो बी का एडवोकेट है जिसका नाम है डी, वो उठ जाएगा, कहेगा आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, या आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। तो इसी तरीके से जो जो जजेस हैं वो क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्शन ओवर रूल या ऑब्जेक्शन अलाउड। तो ये सब चीजें कब हो सकती हैं, साइटेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से जब हम कोर्ट में जाएंगे तो क्या एविडेंस हमें पहले देने जरूरी है, क्या विटनेस को हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके बारे में बताना जरूरी है, सब थियोरिटिकल पार्ट है। और ये आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा कि एट टाइम पेपर्स में देखा गया है, ये अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट वेरी कर सकता है, बट ये बहुत बार पेपर्स में देखा गया है कि थ्योरी जो है वो 60 से 65 मार्क्स की आ जाती है, और ये थ्योरी प्लेन थ्योरी नहीं होती कि जनरल पूछ लिया, बट काफी इलेबोरेट डिस्कशन यहाँ पे होता है, जो कि नोट जो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं जहाँ पे लिखा भी हुआ है साफ साफ अक्षरों में, स्ट्रिक्टली एज पर न्यू सिलेबस प्रिस्क्राइब बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। क्योंकि ओल्ड सिलेबस में मैं पढ़ा ही नहीं, जब मैं न्यू सिलेबस से ही मैंने पढ़ाना ऑनलाइन स्टार्ट किया है, तो मैं ओल्ड की तो कोई बात ही नहीं आती। हाँ, ओल्ड वाले भी ये लेक्चर्स देख सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनके जो मॉड्यूल है उसमें भी ऐसा ही कुछ है, बट थोड़ा सा कम है, बट न्यू वालों के लिए तो ये डेफिनेटली रिलेवेंट है बिकॉज ऑफ द रीजन सारी की सारी चीजें उस परस्पेक्टिव से बताई जा रही हैं, और जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां बताई जाएंगी। ये आपके सामने एक कंटेंट का मैंने पार्ट रख दिया है कि मेरी बुक में क्या क्या चीजें हैं और कितने चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे जो जो आपके आईसीएसआई के मॉड्यूल का पार्ट बनता है वो सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, एंड आई कैन गारंटी कि जब आप इन सब चीजों को पढ़ेंगे, डीट्स को पढ़ेंगे, यू विल रियलाइज फॉर योर सेल्फ कि ये बुक अपडेटेड ही नहीं है, द मोस्ट अपडेटेड बुक है जो आज मार्केट में अवेलेबल है। मैं ये भी आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर कोई और अपडेशन आएगा, ड्राफ्टिंग में जनरली ऐसा कुछ होता नहीं, बट अगर कोई और अपडेशन आएगा या मुझे ऐसा लगेगा कि ये चीज रह गई है और बता देनी चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में काफी बार आ रही है, तो वो मैं एड ऑन करके आपको भेजूंगा। तो यानी ये है कि ड्राफ्टिंग के लेक्चर्स अगर आपने ले लिए और एथिक्स के ले लिए, एथिक्स की अलग वीडियो देखिएगा तब आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप मान के चलिए ग्रुप वन जो है सिर्फ टैक्सेशन के बारे में आपको सोचना है। ये दो पेपर्स जो हैं ड्राफ्टिंग का एंड एथिक्स का, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हो गई है। अगर आप जो मैं कहता हूँ वो फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर जिस तरीके से मैं फॉर्मेट बताऊंगा, जिस तरीके से मैं बाकी बातें बताऊंगा, वो सब चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ये भी मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा कि जो कॉन्टेंट है वो हम कम नहीं रखने वाले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अननेसेसरी कॉन्टेंट रख रहे हैं हम लोग, बट हम कंटेंट कम नहीं रखने वाले, हम वो सारा कंटेंट रखेंगे जो आईसीएसआई के मॉड्यूल के बेसिस पे रिक्वायर्ड है। बिकॉज बहुत बार लोग क्या करते हैं कि कट शॉर्ट कट शॉर्ट कट शॉर्ट, जो बहुत पेजेस की बुक होती है बहुत ही छोटी रह जाती है, तो वैसा हम नहीं करने वाले। इतना इलाबरेट डिस्कशन करेंगे कि आपका एग्जामिनेशन ईजी तरीके से हो जाए, अलग से आपको कुछ भी देखने की जरूरत ना पड़े। तो ये चैप्टर्स की लिस्ट है, हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पसेस। बुक में तो कम ही चैप्टर्स हैं, बट ये उसी का ही सिंक्रोनाइजेशन है, इट इज जस्ट दैट हमने एक चैप्टर्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जो कंटेंट है वो उस जैसा ही रखा है, या उसको ईजी बनाने के लिए कुछ वर्ड्स को एक तरीके से कम में लिख दिया, जैसे कि स्टूडेंट का कम समय लगे और वो अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाए। आज जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के बाद, मैं चैप्टर वन की थोड़ी सी बात करूंगा, विच इज जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगा। बट इससे पहले जो आप यहाँ पे चैप्टर्स देख रहे हैं, आई थिंक मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में थोड़ा एक जनरल ओवरव्यू आपको मैं बता रहा हूँ कि हम क्या क्या गो थ्रू करने वाले हैं इस बुक के अंदर, लाइक इन जनरल, एक एक चैप्टर के बारे में बात नहीं बता रहा, इन जनरल मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर में वी विल अंडरस्टैंड कि भाई लॉ कैसे बनाया जाता है, पार्लियामेंट क्या रोल प्ले करता है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या रोल प्ले करती है यहाँ पे, फिर कैसे म्यूनिसिपल बॉडीज या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं, कोर्ट यहाँ पे किस तरीके का क्या रोल प्ले करता है, ये सब बातें फर्स्ट चैप्टर के अंदर इन इन नटशेल अगर मैं बताऊं तो कही गई है। सेकेंड चैप्टर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिर भी कहीं ना कहीं एक सिविक्स एक सब्जेक्ट होता था स्कूल, आप जब आप पढ़ते थे, आई डोंट नो, अलग अलग बोर्ड्स होते हैं तो हमारे उसमें सिविक्स करके एक सब्जेक्ट होता था, होता है ना, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी। सिविक्स टॉक्स अबाउट जनरली सिविक्स इन द सेंस की
पंचायत कैसे बनेगी, म्यूनिसिपल बॉडीज कैसे होंगी, ये फर्स्ट चैप्टर कुछ ना कुछ उस एक्सटेंड की तरफ इशारा करता है। जबकि जो सेकंड चैप्टर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपनी सेक्रेटरी की लाइफ में रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जब आप नोटिस बनाएंगे तो कैसे नोटिस बनाएंगे, कितने दिन पहले नोटिस देंगे, साइन कौन करेगा, नोटिस का कोई क्या कोई फॉर्मेट है उसको फॉलो करा जाएगा, कब कैसे किया जाएगा। नोटिस जब आप दे रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें आप लिखेंगे कि मीटिंग में क्या क्या बात होने वाली है, वो सारी चीजें जो है वो टू डू आइटम्स ना कह के हम उसको एजेंडा कह रहे हैं, क्योंकि एजेंडा वो सारी चीजें जिनके बारे में बात होने वाली है, जिनके बारे में डिस्कशन होने वाला है इन द फोर्थ कमिंग मीटिंग, चाहे वो आपकी बोर्ड मीटिंग हो, चाहे फिर आपकी एनुअल जनरल मीटिंग हो, चाहे फिर आपकी ईजीएम हो, चाहे फिर क्लास मीटिंग हो, जो भी मीटिंग है उसके बारे में जो डिस्कशन होने वाला है वो एजेंडा में हम लोग लिखेंगे। मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आए कि मिनट्स ऑफ मीटिंग कब बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले ये कि मिनट्स ऑफ मीटिंग एक्चुअली होता क्या है, अगर कोई ये पूछे, द आंसर इज कि मिनट्स ऑफ मीटिंग एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वो सारी बातें जो रिलेवेंट है वो लिखी जाएंगी जो कि एक मीटिंग में हुई है। अब क्या रिलेवेंट है क्या इररिलेवेंट है ये हमें अपना एक जजमेंट लेना पड़ेगा, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम एक तरीके से प्रोफेशनली काम करना स्टार्ट कर देंगे विल गेट टू नो बाय आवरसेल्फ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि हर डायरेक्टर को अपना डिस्क्लोजर देना होता है, अगर बोर्ड मीटिंग की बात करूं तो ये डिस्क्लोजर जो है रिलेवेंट पार्ट है, बट एक डायरेक्टर जो है उसका फोन आ गया मीटिंग के बीच में और वो 2 मिनट बाहर चला गया फिर वापस आ गया, दिस इज इररिलेवेंट है। या एक जो डायरेक्टर है बीच में वो उसने बेसिकली आप कह सकते हैं कि लेट्स से कुछ एक तरीके से उसको काम आ गया, कोई बुलाने आ गया तो वो बाहर 2 मिनट के लिए चला गया फिर वापस आ गया, या कोई जनरल बात हो रही है जैसे कि भाई इलेक्शन कौन जीत गया क्या है क्या नहीं, ऐसी जनरल बातें हो रही है, ये सारी इरेलीवेंट है, डज नॉट इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। तो रिलेवेंसी एंड इरेलीवेंसी वी हैव टू जज और उसी के अकॉर्डिंग हमें मिनट्स ड्राफ्ट करने हैं। याद कर लीजिए ये बात अच्छे तरीके से कि कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो और है वो भी इंपॉर्टेंट है बट ये उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी सेक्रेटरी को मिनट्स ड्राफ्ट करने आने चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट ट्रेनिंग नहीं करते या अच्छे तरीके से नहीं करते उनसे कहा जाता है भाई मिनट्स बनाना है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि जैसे कि एक कंपनी है जिसका नाम कुछ भी हम लिख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड है या एक्स वाई जेड साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड है, ऑब्जेक्ट भी लिख दूँ तो एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड है जिसमें 2 डायरेक्टर्स हैं, एक है एक्स और एक है वाई, ठीक है। अब ये जो वाई है ये डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है फॉर एनी प्रोफेशनल और पर्सनल रीजन और इनकी जगह क्योंकि 2 डायरेक्टर चाहिए प्राइवेट कंपनी है, या अदरवाइज भी मान लीजिए इनकी जगह वाई की जगह क्योंकि ये रिजाइन कर रहे हैं एक नया डायरेक्टर आ रहा है कॉल्ड एज जेड, तो अब कौन नए डायरेक्टर्स हो गए एक्स एंड जेड। अब क्या होगा जो एक्स एंड वाई थे जहां जहां ये डायरेक्टर्स अपडेटेड थे वहां पे हमें सबको चेंज करना होगा, लाइक एमसीए वगैरह पे चेंज करेंगे, बट जब कंपनी है तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट भी ऑपरेट कर रही होगी, तो अब हम ये मेक श्योर करेंगे कि जब वाई हमारे कंपनी के बोर्ड से रिटायर हो रहे हैं रिजाइन कर रहे हैं या रिमूवल या टर्मिनेशन जो भी हो रहा है हम बैंक को भी अपडेट करें कि अगर वाई जो है वो किसी भी चेक पे साइन करता है तो वो चेक एंटरटेन ना किया जाए। तो आपकी कंपनी का जो डायरेक्टर है एमडी है वो आपको बुलाते हैं और कहते हैं कि एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करो जिसमें बैंक में सिग्नेटरीज अपडेट कराने हैं, पहले सिग्नेटरीज कौन थे एक्स एंड वाई, अब सिग्नेटरी कौन हो जाएंगे एक्स एंड जेड, और उन्होंने ये भी कह दिया कि जब आप ये एक तरीके से रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करें तो ये उसमें लिख दीजिएगा कि 2 नए सिग्नेटरी हैं, पहले थे एक्स एंड वाई, अब वाई चला गया तो वाई की जगह जेड आ गया, 2 सिग्नेटरी नए हो गए एक्स एंड जेड। एक्स को वो ये कह रहे हैं कि लिखना है कि सिंगली मतलब अगर अकेले के लिए ये साइन करें तो 50,000 तक साइन कर सकते हैं, अगर 50,000 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा विड्रॉ करना है कंपनी के अकाउंट से तो इनके ज्वाइंटली साइन होने चाहिए, ऐसा रेजोल्यूशन बनाइए। तो ये क्या है हमारे कोर्स का पार्ट है, ये भी मैं आपको सब चीजें सिखाने वाला हूँ कि कैसे रेजोल्यूशन की ड्राफ्टिंग होने वाली है, क्योंकि देखिए मैंने इवन पहले भी आपको बताया और दोबारा से वो चीज आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आपको ये चीजें याद रहें, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे बाद में हमें लगता है कि ये लेक्चर्स अच्छे थे वो लेक्चर, तो बहुत सोच लें कि जो बात यहाँ पे हो रही है वो कितनी आपके लिए रिलेवेंट है। तो मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि ऑल्सो वर्क एज अ सीनियर मैनेजर, तो देखिए कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ पढ़ाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन है जो भी है सिर्फ पढ़ाते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं लाइक जो पढ़ा रहे हैं और एक तरीके से जॉब भी कर रहे हैं बिकॉज उसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है। जो सिर्फ पढ़ाता है वो उतनी ही नॉलेज आपको दे सकता है जितनी बुक्स में लिखी है, बट जो एक्चुअली उसके बारे में काम करता है वो आपको वो ज्यादा नॉलेज दे सकता है, उतनी तो वो भी देगा जितनी बुक में लिखी है, बट वो आपको उससे ज्यादा बियॉन्ड थोड़ा सा जाके बताएगा जो कि आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ की बात वहीं से सीखी जा सकती है। तो मेरे साथ जो है ये दोनों ही पॉइंट्स हैं जो डेफिनेटली आप देख रहे हैं, ना कि हम सिर्फ बुक की बात करेंगे बट हम जैसे ये रेजोल्यूशन का एग्जाम्पल दिया बड़ा कॉमन है, बहुत बार होगा आप जब कभी
डेफिनेटली किसी कंपनी में जाएंगे जब सीएस बन के काम करेंगे तो कभी ना कभी ऐसी चीज आपके सामने आएगी तब आप शायद याद करेंगे कि सर ने ऐसे कोई बात करी थी। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ ये सब चीजें होंगी। मिनट्स को ध्यान में रखते हुए हमें सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स को नहीं भूलना चाहिए लाइक SS1 SS2। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि कुछ बोर्ड मीटिंग पे अप्लाई होते हैं कुछ एनुअल जनरल मीटिंग पे होते हैं ना वो कैसे हैं हर पेज पे। जैसे कि कहते हैं कि भाई मिनट्स के हर पेज पे साइन होना चाहिए, मिनट्स का ओपनिंग टाइम क्लोजिंग टाइम कहाँ हो रही है, कौन चेयरमैन है, कौन लोग आए हैं, कौन एबसेंट है, सब बात हमें लिखनी है। नोटिस जो दिया गया था बोर्ड मीटिंग के तौर पे कितने दिन पहले 7 डेज, AGM है तो 24 21 वॉट एवर एज एप्लीकेबल, ये सारी बातें हमें डॉक्यूमेंट करनी होगी और ये सब चीजें हम चैप्टर सेकंड में बात करने वाले हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग 1 एंड 2 लिखा है। इसके अंदर हम ये समझेंगे बेसिकली कि ड्राफ्टिंग है क्या इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, किसी भी चीज को लिखना इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटीज कॉल्ड एज ड्राफ्टिंग, और इसके फर्दर क्या चीजें हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो एग्जामिनेशन में काफी बार आता है वो बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे लाइसेंस वगैरह के बारे में कि लाइसेंस क्या होता है, कुछ रिवोकेबल लाइसेंस है कुछ इरिवोकेबल है, लीज जो होती है उसमें क्या फर्क होता है, लेजर एंड लेजी जो है वो क्या होते हैं, लीज अग्रीमेंट कैसे बनता है, ये सब बातें हम करेंगे। और एक्चुअली फॉर्मेटिंग की बात अब यहाँ से स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि ऊपर के जो चैप्टर्स हैं अगर सेकंड चैप्टर में कुछ ड्राफ्टिंग है भी तो वो इंस्पायर्ड है सारी की सारी कंपनीज एक्ट को ध्यान में रखते हुए, बट 4 चैप्टर से नॉर्मल हम एक ट्रैक पे आ जाएंगे जो कि ओल्ड कोर्स वाला ट्रैक है जहाँ पे हम समझेंगे कि क्या क्या चीजें हमें ड्राफ्ट करनी है। जब मैं ओल्ड कोर्स कह रहा हूँ तो मैं ये समझा दूं आपको कि ओल्ड कोर्स के साथ इसमें कुछ और नया कॉन्टेंट जुड़ा है। ICSI ने सिर्फ 2 ही चैप्टर्स नहीं अपडेट किया फर्स्ट एंड सेकंड, और जगह भी अलग अलग कॉन्टेंट जोड़ा है, वो कैसे इम्प्लीमेंटेशन में आएगा हम बात करेंगे। चैप्टर जैसे आगे बढ़ रहे हैं अग्रीमेंट्स हैं, फिर अग्रीमेंट्स के अंदर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट्स आ गए, सर्विस अग्रीमेंट्स आ जाते हैं, ये सब बात हम लोग करेंगे। पावर ऑफ अटर्नी में कुछ पावर ऑफ अटर्नी है जो रिवोकेबल नेचर की हैं कुछ इरिवोकेबल नेचर की हैं, वो हर लॉ के बेसिस पे अलग अलग हो सकती हैं। कैसे गिफ्ट सॉरी कैसे स्टैंपिंग की बात होगी, रजिस्ट्रेशन की बात होगी, किस पे कितना रजिस्ट्रेशन लगेगा। आपको याद है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन 17 सेक्शन 18 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, और सेक्शन 18 में वो ऐसे रजिस्ट्रेशन है जिनका या ऐसी चीजें दे रखी है जिनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, तो वो क्या है वो सब हम बात करेंगे। देर आफ्टर वी टॉक अबाउट असाइनमेंट जहाँ पे एक असाइनर है एक असाइनी है, असाइनमेंट जो है गुडविल का हो सकता है, वो बिजनेस डेब्ट का असाइनमेंट हो सकता है। IPR के बारे में आप जानते हैं कि बहुत बार लोग जो होते हैं अपना पेटेंट जो है किसी को यूज करने के लिए दे देते हैं, अपना कॉपीराइट यूज करने के लिए दे देते हैं। यहाँ पे एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज रॉयल्टी, वो कैसे होगा, क्या कितने टर्म्स पे रॉयल्टी दी जाएगी, क्या इन सब चीजों को लिखते हुए हमें लॉस के बारे में पता होना जरूरी है, ये सब चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। अभी तो मैं सिर्फ एक वन लाइनर के तौर पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि भाई बात है क्या और कितनी डिटेल में सर हमें लेके जाने वाले हैं। ये सब आपको मेरी अब इन जो बातें से मैं अभी कर रहा हूँ इससे शायद कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा होगा। ये तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि हम छोड़ कुछ भी नहीं रहे, जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो सारी हम चीजें कवर कर रहे हैं। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए जब एक चैप्टर की डिटेल में बात करते हैं तो एक अलग बात होती है, जब ओवरव्यू ले रहे हैं एक पूरे सब्जेक्ट का तो एक अलग बात होती है। फिर यहाँ पे मॉर्गेज जो है जो कि ऑब्वियसली आप जानते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से इंस्पायर्ड है, वो किस तरीके से काम करती है, कितने तरीके की मॉर्गेज है, सिंपल इंग्लिश एनालॉगस कंडीशनल सेल है ना, यूसुफ फ्रक्चरी मॉर्गेज, ये सब किस तरीके से काम करती है, इनकी डीड्स मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखनी है, आपको लिखवाऊंगा भी, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो मैं बोलूंगा और आपको लिखना भी होगा, वो एट टाइम्स मैं आपको बताता जाऊंगा क्योंकि वो चीजें हैं जो ICSI के मॉड्यूल में नहीं है बट ICSI ने क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे कि इस बार और इससे पहले भी अलग अलग अटेम्प्ट्स में बहुत बार हुआ है, जैसे कि आपको पता है एक चीज होती है वकालतनामा, उन्होंने ये पूछ लिया कि बताइए वकालतनामा क्या है। अब स्टूडेंट तो क्या है अंग्रेज है सारा का सारा, आजकल अंग्रेजी यानी इंग्लिश जो है वो एक पावरफुल लैंग्वेज बन चुकी है जो कि अच्छा है, बट इन द एंड ऑफ द डे बेसिक तो चीजें समझो ना। जैसे वकालतनामा मैं आपसे ही पूछूं कि व्हाट इज वकालतनामा, आपको पता है कि क्या होता है वकालतनामा? वकालत बहुत बार घर में छोटे भाई बहन में लड़ाई हो जाती है, बाहर फ्रेंड्स में वकालत करते कहते हैं भाई ये जो है वो दूसरे बंदे की वकालत कर रहा है, वकालत मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है ये उसके आगे उसके बिहाफ पे लड़ रहा है आके। तो पावर ऑफ अटर्नी इज समथिंग दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वकालतनामा ऑल्सो कॉल्ड एज। तो जैसे ही उन्होंने ये नहीं पूछा कि पावर अटर्नी क्या है, ये पूछते तो 10 में से 9 लोग आंसर करते भले गलत या सही। अब जब वकालतनामा पूछा तो 10 में से सिर्फ 2 लिख पाए, बाकी 8 तो लिख ही नहीं पाए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था क्या है। तो ये चीजें भी मैं आपको अवेयर कराता जाऊंगा कि देखिए भाई ये पेपर में ये बात आई थी तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। फिर वी हैव चार्ज, अब आप जानते हैं चार्ज है वो कंपनीज एक्ट से इंस्पायर्ड है, फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज। पार्टनरशिप डीड्स के तौर पर हम जानते हैं अलग अलग पार्टनर्स टाइप्स होते हैं, जैसे कि पार्टनर बाय स्टॉपल है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है या जनरल पार्टनरशिप है,
ये सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे. पार्टनरशिप में देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. ये दो अलग अलग बातें हमें समझना होगा कि इन दोनों के अंदर फर्क क्या है. जैसे कि ये कि अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि फर्म का है, बट अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन तय मानिए. ये बात भी हम यहाँ पे समझेंगे. सेल करनी है प्रॉपर्टी की, ट्रस्ट डीड, डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनानी है, कंपनीज एक्ट की जो ड्राफ्टिंग है, मैनेजरियल पर्संस को अपॉइंट करना है, और फिर यहाँ के बाद जो है वो आपकी प्लीडिंग शुरू हो जाएंगी. जो मैंने आपसे कहा कोर्ट में कुछ टर्म्स ऊपर यूज भी किए, प्लेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट है, प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है. अभी मैं और नहीं कंफ्यूज करना चाहता, मतलब बोल के कि आपको लगे सभी अभी बता दिया, पर आगे और भी टर्म्स हम सुनेंगे, जैसे कि रेप्लिकेशन है, रीज्वाइंडर है, ये हम सब सुनेंगे. फिर सुनेंगे रिविजन क्या है, रेफरेंस क्या है, ये सब बात हम लोग करने लगेंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे. बट ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिससे आपको आई थिंक काफी हद तक समझ में आया होगा कि जो बात हम करने वाले हैं वो किस एक्सटेंड तक है और क्या किस किस लेवल की बात करी जा रही है. तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी. एंड नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी कंसर्न, बिकॉज इसके बाद ऑलरेडी ये इंट्रोडक्टरी था और इसके अंदर हमने काफी सारी चीजें डिटेल में कवर कर ली है. चैप्टर वन से मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जस्ट लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी एज ऑलवेज टू एक्चुअली डिस्कस दैट विद यू. एंड मुझे उम्मीद है कि ये जो बात मैंने आज कही आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी. तो थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई शिल सी यू वेरी सून. थैंक यू.